हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शेयर करने जा रहा हूँ वैष्णो माता यात्रा की फुल इन्फॉर्मेशन और स्टोरी। तो कृपया आप लोग इसे देखें और एंजॉय कीजिए। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रिसेंटली मैं वैष्णो माता गया था, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा, बहुत सारे ट्रेन मैंने ब्लॉग बनाए थे। तो मैं इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले कि आपको अगर वैष्णो माता जाना हो तो आपको क्या क्या करना पड़ता है और कहाँ कहाँ आप बुकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम दिल्ली से गए थे वैष्णो माता वंदे भारत एक्सप्रेस से। उसका टिकट आया 1650 पर पर्सन ऑन इकोनॉमी क्लास। उसके बाद हम उतर के हम रेस्टोरेंट गए थे, होटल बुक किया था हमने। होटल का नाम है कृष्णा रेजिडेंस, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी आपको। फिर वहाँ पर गए, जब एक रात रुके थे, हम थे पूरे 16 लोग। फिर वहाँ से हमने गए वैष्णो माता की यात्रा की बुकिंग होती है। अगर आप चढ़ाई करने जाए तो पहले आपको एक पर्ची मिलेगी टिकट आईडी कार्ड जैसा, उसको आपको पहनना पड़ता है। वो लेने के बाद हमने स्टार्ट करी थी अपनी चढ़ाई। तो फिर चढ़ाई करने के 1 घंटे बाद हम पहुंचे थे चरण पादुका। वहाँ पर हम बैठे थे। टिकट क्या पासेस होता है? टिकट पास उधर आधार कार्ड लगता है, बहुत सारा आधार कार्ड जो जा रहे हैं उनके आधार कार्ड लगेंगे और फिर फोटो क्लिक करके आईडी कार्ड देंगे आपको एक। तो जो आईडी कार्ड किस लिए होता है? आईडी कार्ड वो तो मुझे भी नहीं पता। फिर क्या घूमा यार? नहीं दिया था कि हमने चढ़ाई करी है, वो आईडी कार्ड का बहुत ज्यादा काम आया था। तो फिर वापस ले लिए थे या रिटर्न लेकर आए? नहीं, वापस लिए थे वो लोग। अच्छा। फिर 1 घंटा हमने चढ़ाई करी और फिर चरण पादुका पहुंचे हम मंदिर में। फिर वहाँ पे हम मंदिर घूमे, मंदिर का ब्लॉग होगा शायद। कितनी हाइट होगी? हाइट ज्यादा नहीं होगी, मुश्किल से 400 से 500 मीटर होगी। चढ़ाई 500 मीटर है। किलोमीटर में कितना हुआ? 500 मीटर चढ़ाई है, बहुत मतलब सीधी चढ़ाई है। अच्छा। 70 डिग्री में वो स्टार्टिंग सीधी है तो पास में पड़ता है, 2-3 टर्न लेकर ही है। कितना टाइम लगा था चढ़ने में? 1 घंटा बस 1 घंटा उतरने में वहाँ से ऊपर से उतरने में 2 घंटे लगे थे। ऊपर चढ़ने में कम टाइम लगा था, उतरने में? नहीं, हाँ वैष्णो माता चढ़ने में तो 8 घंटे लगे थे। चरण पादुका मंदिर जाने के लिए बस 1 घंटे लगे थे हमें। फिर वहाँ पे हम रुके, कुछ खाया, खाना पीना, उसके बाद हम ऊपर गए। तो फिर बीच में वहाँ पे बहुत सारे वो लंगर लगे रहते हैं, तो वहाँ पे भी हमने खाया। लंगर में खाना खा रहे थे? हाँ, तो वहाँ पे स्टॉल्स नहीं रहती ऊपर। ऊपर आप ऊपर खाना कैसे जाएगा, कौन ले जाएगा, बहुत महंगे थे। तो वहाँ पे एक हमने खाया राजमा चावल खाया, एक प्लेट की कॉस्ट थी 60 रुपीज। उसके बाद हम पहुंचे अर्धकुंवारी मंदिर में। और गाइस, अगर आप अर्धकुंवारी मंदिर जा रहे हैं तो अपनी बुकिंग पहले से करवा के रखिए। हमें नहीं पता था इसलिए हमें वहाँ पे नंबर ग्रुप के हिसाब से जाते हैं, तो हमारा नंबर मिला था 1,23,462। तो 2 दिन हमें रुकना पड़ता था इसलिए हम नहीं रुके थे वहाँ पे। उसके बाद से हम आगे चले गए थे वैष्णो माता मंदिर। तो वैष्णो माता जाने के लिए सीधा रास्ता है, उसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी। लेकिन वैष्णो माता वहाँ से अर्धकुंवारी से 6 किलोमीटर है गाइस, पहाड़ के 2 चक्कर लगाने से उसके पीछे है। और ऊंचाई पे नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ी बहुत तो चढ़ना पड़ेगा ही। तो फिर हम वैष्णो माता गए थे तो वहाँ पे व्यू कैसा था? व्यू तो बहुत अच्छा था, सीढ़ियों से जा रहे थे तो पूरा कटरा पूरा दिख रहा था वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से। और फिर जैसे वैष्णो माता गए थे वहाँ पे एक तो लाइन बहुत लंबी लगी थी, हम पहुँचे थे 5:30 बजे और वहाँ पे फिर लॉकर में सारा सामान जमा करना पड़ा। वहाँ पे कुछ ले जाने नहीं थे, फोन मोबाइल कुछ नहीं, पर्स वर्स जूते वूते सब जमा करने पड़े थे। और फिर 5:30 बजे पहुँचे, 6 बजे तक तो हमें जमा करने में लग गए। उसके बाद फिर आरती होने लगी 6 से 8:30 बजे तक, तो वहाँ पे 2 घंटे चले गए लाइन में, हमें 5 घंटा खड़ा रहना पड़ा। तो 11:30 बजे तक हमारे दर्शन हो गए सबके। फिर वहाँ से ऊपर भैरव बाबा जाने के लिए 1 घंटा पहले हमने रेस्ट करा। फिर वहाँ से भैरव बाबा तो वहाँ पे भैरव बाबा हाँ, फिर भैरव बाबा के लिए बहुत बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल वो भी 80 डिग्री पे पूरी सीधी ऐसे स्लोप में सीधी चढ़ाई है। तो उसको करने में हमें 2 घंटे लग गए थे, है बस 1 किलोमीटर लेकिन बहुत ज़्यादा है वहाँ से। तो भैरव बाबा से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, पूरा कटरा दिख रहा था और बादल बिल्कुल पास में थे, छेद कर देता उसमें पास में नहीं थे मतलब, तो बादल बहुत दिख रहे थे। पहाड़ के टॉप पे भी हम जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए, सब थक चुके थे, हम 16 लोग गए थे, सब थक चुके थे। तो फिर वहाँ पर हमने रेस्ट किया भैरव बाबा पे, 1-2 घंटे रेस्ट किया वहाँ पे, कुछ खाना खाया, फिर हम उतरने लगे। उतरते समय पूरी लाइट वाइट जल रही थी पूरी नीचे, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था कटरा का। फिर हम उतरे नीचे, वैष्णो माता आए, वहाँ पे 1-2 घंटे रेस्ट किया। अच्छा, फोन जमा कर लिए थे ना? फोन सब जमा कर लिए थे, फिर हमने फोन लिए, फिर नीचे धीरे धीरे उतरते गए, फिर 2 घंटे में उतर गए थे नीचे।
फिर वहां से होटल की गाड़ी आई और फिर हम होटल गए, फिर वहां से हम वापस दिल्ली आ गए और फिर घर। थैंक यू।